हो जस अधम, तुम ही एक जानत और न जानन हारोरी किशोरी राधे। केवल और केवल एकमात्र आप जानती हैं मेरे अंदर कितने गुण अवगुण हैं, किंतु भरोसा है आपका कि आप अवश्य उबारेंगी। कब उबारेंगी? जब जिह्वा से निरंतर निरंतर उनका नाम का गान होता रहे, जिह्वा से निरंतर उनके नाम छूटने ना पाए। एकमात्र रास्ता है उनकी कृपा का, उनका नाम का आश्रय। केवल नाम का आश्रय लेने से ही कृपा मिल सकती है। आसान सरल रास्ता, एक बार नहीं हजारों बार कह लीजिए, समझ लीजिए, केवल और केवल उनके नाम से ही उनकी कृपा मिलेगी। जितना जितना उनका नाम हाथ से चलेगा, जिह्वा से चलेगा, जितनी बार कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण श्री राधा कह के पुकारा जाएगा, उतनी बार वो हम पर रिझेंगे। नाम नहीं छोड़ना है, कुछ छूट जाए। साधक को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, कुछ छूट जाए पर जिह्वा से नाम न छूट पाए। पर हमारा उल्टा है, हम काम के लिए नाम को छोड़ देते हैं, जबकि नाम के लिए काम को छोड़ देना उचित है। काम है हमारे पास बहुत सारे, इसलिए नाम छोड़ दो। चलो, नाम है हमारे पास इसलिए काम को छोड़ा जाना चाहिए, पर नाम को नहीं। नाम की आश्रित हो जाइए, नाम को पकड़ लीजिए। जैसे दुनिया में बहुत सारे रोगों को उनका निदान पाने के लिए होम्योपैथी होती है, एलोपैथी होती है, वैसे भक्त के लिए ये नामोपैथी है। सब रोगों को ठीक करने के लिए नामोपैथी, ये अगर हाथ में चलती रहेगी। राम राम रक्षा स्तोत्र में कहा है कि नाम जापक का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, यहां तक कि यमराज भी आंख उठा के उसकी तरफ नहीं देख सकता, जो नाम जापक होता है, सच्चा नाम जापक। यमराज भी कह देगा नहीं, इसके पास नहीं जाना, ये तो राधा राधा जपता, इससे दूर रहो, खतरा है इसके पास जाने। पता चले कि यमराज भी सब काम धंधा छोड़ के वहीं उसके पास बैठ जाए। कह रहे हैं कि कोई बाल बांका नहीं कर सकता जो नाम के आश्रित होता है। नाम से बढ़कर कोई साधन सिद्धि शास्त्रों ने बताई नहीं। सब साधन अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, सब साधन अच्छे हैं, सदाचार अच्छा है, लेकिन अगर मृत्यु तक पहुंचने में अगर सदाचार नहीं आया तो ध्यान करना अच्छा है पर मृत्यु से पहले पहले ध्यान नहीं लगा तो मन को वश में करना ठीक है पर मन वश में नहीं हुआ तो क्या साधन बचा हमारे पास? हृदय में सतोगुण आए, सात्विक गुण आए, ये आने अच्छे हैं पर नहीं आए मृत्यु तक तो एकमात्र ध्यान ना लगा, साधना ना हुई, सात्विक सदाचार आया ना आया, पर ये अगर है साथ में तो फिर ना किसी डर की आवश्यकता है, ना किसी साधन की, ना चिंता की आवश्यकता। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना जीवन सब जगह घुमाया, वेद मार्ग की ओर गए, शास्त्र को पढ़ा, सारी दुनिया में जितनी शास्त्र हैं विधियां सब पढ़ डाली। हमने तो कुछ नहीं किया जीवन में, पर उन महापुरुषों ने सब पढ़ लिया, सब जगह भटक लिए, और फिर जब सब जगह से उनको एक निचोड़ मिला तो लाके हम जैसों के लिए दे दिया, जो कुछ नहीं कर पाते कि लो कुछ नहीं कर पा रहे, ये लो भगवान का नाम, इसको बैठे बैठे जपो, बस कुछ नहीं करना, तुम कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं भागना, किसी साधन के पीछे नहीं भागना, बस ये करो, तुम
सबका निचोड़ दे दिया, सबका निचोड़ ला करके एकमात्र सदगुरु ने ये नाम पकड़ा दिया। इससे आगे अब कुछ नहीं, हमें फिर भी इससे आगे चाहिए। आज ये नाम जपते जपते तो बहुत समय हो गया, अब कुछ और बताओ, कुछ और रास्ता बताओ। कितने भी रास्ते कर लो, अंतिम यही है। इससे आगे, इससे बढ़कर और दूसरा कोई भी नहीं, ये अंत है। आरंभ भी यही है और अंत भी है। आरंभ भी यहीं से ही होगा, भक्ति का आरंभ भी यहीं से होता है, नाम जप से ही होता है। और भक्ति का विश्राम भी, यानी लक्ष्य प्राप्ति भी इसी से होती है। उससे आप सोचते हो कि जो भगवत साधक होते हैं वो कुछ और ही करते होंगे, नहीं नहीं, हाँ भगवत लीला स्मरण करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ करते वो भी नाम का स्मरण ही, नाम का जप, नाम का ध्यान। राम जपू जिह जानी, प्रीति सो प्रतीत मानी, राम नाम जपे जिह जिय की जरनी। तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि नाम तो जपो, पर हम कभी कभी घबरा जाते हैं कि भैया नाम तो जप रहे पर मन तो लग ही नहीं रहा, मन तो भटक रहा है, तो इसको बाहर से फेरने से क्या फायदा। एक आध ऐसे दोहे भी हैं कुछ कि मन ना बदला तो ये जपने से क्या फायदा। ठीक है, वो स्थिति भी सही है, लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं राम जपू जीह। तुलसीदास जी कह रहे जीभ से नाम जपो। अगर बाबा को पता होता कि हृदय से ही जपने से होता तो वो लिखते ना कि राम नाम हृदय से जपो, वो कह रहे जी केवल जिभ्या से जपो, बस जिभ्या से नाम निकले, हृदय से ना निकले कोई बात नहीं, पर जिभ्या से निकलना चाहिए। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिभ्या से नाम निकलना ये क्या कम बड़ी बात है। जिभ्या इधर उधर की बातों में कितना निरंतर आनंद लेती रहती है, इसकी बुराई, इसकी बुराई, इसको ये बोल दिया, उसको वो बोल दिया। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी जिभ्या को बस इसी काम के लिए उपयोग करते हैं, दूसरों की बुराई के लिए। घर के और कोई नहीं मिलता तो घर के नौकर को बिठा लेंगे, उसी को बिठा के बस जिभ्या से उसी के साथ बुराइयां आरंभ, निंदा आरंभ। जबकि जिव्या मिली थी कि तुम बैठ के नाम जप करो। अगर तुम्हारे पास खाली समय है तो क्या करो उस खाली समय का, खाली समय को आप अपनी जिव्या से निरंतर नाम जप के लिए उपयोग करो। नहीं मन लगता कोई बात नहीं, जिव्या तो चलेगी, जिव्या से तो नाम जप चलेगा। अब मन चालाक है, मन खूब चालाक है, मन से ज्यादा चालाक इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। इतना चालाक है मन कि आप कहो कि भैया जिव्या से लेने की क्या आवश्यकता, हम तो मानसिक जप कर लेते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे, क्या ये माला वाला से, तो ये तो गिन के क्या करना, गिनती थोड़ी होती है भगवान के नाम की। जो गिनते हैं वो तो पागल है, भगवान का नाम गिन गिन के लेते हैं। आपकी बात सही है, भगवान का नाम गिनना नहीं चाहिए, पर पहले कम से कम गिन के इतनी तो कर लो कि आपकी जिव्या से फिर निरंतर नाम चलता रहे। इतनी हुई नहीं और आप मानसिक वाली स्थिति पे पहुंच गए कि हम तो मानसिक जाप करेंगे, हम तो मन से जाप करते हैं, 24 घंटे हमारे मन से चलता है। 24 घंटे नहीं, दो चार नाम भी मन से नहीं चल पाएंगे जब तक अभ्यास नहीं होगा नाम जप का। ये स्थितियां ऊंचे महापुरुषों के लिए, हम जैसों के लिए नहीं कि मानसिक चल रहा है। कब चलेगा मानसिक? मानसिक तब चलेगा जब हाथ से अभ्यास हो जाएगा ना, और जीभ से अभ्यास हो जाएगा। मुंह बंद है, ये भी अभ्यास हमें करना चाहिए। अभी बैठे हैं, माला कर रहे हैं, तो माला ऐसी होनी चाहिए या तो आपके होठ हिले, आवाज भले ना आए, आवाज करोगे तो फिर हो गई कथा, किंतु ऐसा जाप होना चाहिए कि या तो होठ आपके हल्के हल्के हिलते रहे, आवाज ना आए, सिर्फ उठे ले, या और आपकी थोड़ी अभ्यास बढ़ गई तो मुख भले बंद रखो पर अंदर जिव्या हिलनी चाहिए। मुख बंद है और जिव्या नाम मंत्र का जाप करें। ये दो स्थिति पहले आपको करनी पड़ेगी। ये जब दो स्थिति फिर परिपक्व हो जाएंगी। अब आप कहो मानसिक जप, तो मानसिक मतलब मन से,
अब मन तो इतना चालाक है कि आप एक जाप करोगे, एक नाम लोगे तो कहीं और चला जाएगा, एक नाम लोगे मुंबई चला जाएगा, एक नाम लेके फिर भूल गया, फिर मुंबई पहुंचा, फिर कलकत्ता, फिर बंबई, पहुंचता ही रहेगा ही। पर अगर जीभ से नाम चल रहा है तो क्या होगा? बोले मन भले कहीं भी जाए, मन जहां जाएगा जिह्वा से नाम भी वहीं साथ साथ जाएगा। अगर मन मुंबई पहुंच भी गया तो कोई बात नहीं, जिह्वा से भी नाम वहीं जाएगा। ये लाभ है जीभ से जाप करने का। तो पहले पहले ही हमें महात्मा नहीं बन जाना कि हम तो मानसिकी कर लेंगे, हमको कोई माला फाला की आवश्यकता नहीं। पहले माला करो, पहले गिन के करो, गिन करके पहले अभ्यास बनाना पड़ता है। क्यों कहते हैं गुरुदेव 16 माला तो करनी करनी? वो भी तो कह सकते हैं कि ज्यादा जितना हो जाए उतने करो, वो है कि जितना हो जाए, पर 16 तो गिन के करना ही करना है जब आरंभ में आपको दीक्षा लेनी है। और फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब 16 से भी आपको तृप्ति नहीं होगी। 16 से क्या होता है, कई लोगों से पूछो ना कितना नाम जप करते हो, कितनी माला करते हो, 2 तो कर ही लेते हैं, 4 तो कर ही लेते हैं, ठीक है कुछ ना से तो आपको भी प्रणाम है, आपने कम से 2 या 4 तो करी, पर अभी बहुत चलना बाकी है हमें। 16 भी बस गुरुदेव कह देते चलो बालक नया नया है, चलो कर लो 16 कर लो। नाम महाप्रभु कहते थे ना कि उसी घर से भिक्षा लूंगा जो लखपति होगा। अब सब लोग घबरा गए, लखपति ये कैसे, महाप्रभु तो ऐसे है नहीं कि जो पैसा धन का ये सब देखे। तो फिर उसका समाधान पूछा तो फिर बताया महाप्रभु ने कि जो रोज 1,00,000 नाम जप करता होगा उसके घर से भिक्षा लूंगा। तो 1,00,000 का मतलब 64 माला होता है, 64 माला से 1,00,000 होती है। तो फिर आप सोचिए, आप हम सब 2-4 करके ही खुश हो जाते, राजी हो जाते, तो देखो हमने कितना कर लिया, आज तो खूब भजन किया हमने, अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे, अभी तो खूब नाम बाकी है हमारा। तो नाम को पकड़े रखिए, ध्यान मन ये सब बाद में अपने आप चलते चलते ठाकुर जी करा देंगे, पर पहले तो अभ्यास बनाइए, जिह्वा से अभ्यास बनाइए। नाम से फिर क्या होगा? बोले नाम जो हिंसा की चरम अवस्था पर थे वाल्मीकि ऋषि, उस नाम ने उनका जीवन बदल दिया। जो हिंसा की चरम अवस्था पर थे, जो अपराध व्यभिचार की चरम अवस्था पर था अजामिल, उसका नाम ने जीवन बदल दिया। जो वैश्यागामी थे वैसे श्री विल्व मंगल जी का जीवन बदल दिया। अरे और तो छोड़िए आप, जो काम की चरम अवस्था पर थे बहु एक दिन भी मायके जाए तो बाबा तुलसी घबरा जाते थे, पत्नी मायके ना चली जाए, कितनी बार मायके वाले लेने आए रत्ना को, बाबा तुलसी ने वापस भिजा दिया, बोले हम इनके बगैर नहीं रह सकते, ये नहीं जाएंगी, एक क्षण ना रह पाए। और जब गई वो, जब वो चली गई मायके, तो फिर मिलन की उत्कंठा जागी कि अब तो कैसे मिलूं जा करके। तो इतनी संसार में मिलन की इतनी अवस्था उनकी जागी कि शव को नाव समझ करके उसमें चले गए और सर्प को रस्सी समझ के उसके घर में चढ़ गए। जब रत्ना ने देखा अर्धरात्रि को ये कहाँ मेरे पास आए हैं, धन्य है वो रत्ना भी जिसने, वो प्रसन्न नहीं हुई कि देखो हम पर कितने आकर्षित है, वाह वाह कितना आनंद की बात है, नहीं, रत्ना कहती है कि आप इतनी ठंड में अर्धरात्रि को इस हार्ड मांस के शरीर से मिलने के लिए आए, इतनी उत्कंठा बढ़ गई कि आपको ये तक याद नहीं रहा ये शव है ये सर्प है, अगर आप यही प्रेम रत्ना की जगह राम से कर लोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति कितनी जल्दी हो जाएगी। बस मोड़ दिया उस ओर बाबा तुलसी को,
और फिर राम नाम को पकड़ा। रामचरितमानस से अधिक राम नाम की महिमा किसी ने नहीं गाई, बाबा तुलसी ने जो गाई, क्योंकि वो राम नाम की महिमा जानते हैं, ऐसा नहीं जानते हैं। बाबा तुलसी जो है पूर्व में श्री वाल्मीकि ऋषि भक्तमाल में ऐसा लिखा है, श्री नाभा जी ने वर्णन किया है कि हनुमान जी ने एक नाटक लिखी थी रामचरित्र गाने के लिए। एक नाटक शैली में भगवान राम के सुयश का गान करने के लिए हनुमान जी ने एक नाटक लिखी जिसका नाम हनुमान नाटकम था। तो उस हनुमान नाटक में बड़े सुंदर रूप में भगवान राम के सुयश का वर्णन किया था श्री हनुमान जी ने, और उन्होंने उसको लाकर के वाल्मीकि ऋषि को दिखाया कि लीजिए हमने ये रचना की है। उसका अध्ययन करके वाल्मीकि ऋषि एकदम प्रसन्न हो गए, विभोर होके नृत्य करने लगे, वाह 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 क्या रचना की है प्रभु आपने। हनुमान जी ने देखा, बड़े भाव विभोर हो गए हमारे रचना को देख के, तो हनुमान जी भी प्रसन्न हुए, मांगो हम आपको क्या दें, आपने हमारी रचना की इतनी प्रशंसा की। तो अब देखो ईर्ष्या, ईर्ष्या कैसी होती है, इतने बड़े महापुरुष को लगा कि अगर ये हनुमान नाटक लोगों के पास पहुंच गई तो मेरी जो रचना है ना रामायण की, उसकी महिमा कम हो जाएगी। ईर्ष्या का वो बीज आ गया हृदय में, और क्या मांग लिया वरदान में, बोले हनुमान जी अगर आप वरदान देना चाहते हो तो अपनी इस रचना को जाके समुद्र में फेंक दो। हनुमान जी भी परम भक्त है, राम का दास ऐसे ही थोड़ी है, फेंक दे, लेकिन श्राप दिया, तुम्हारे अंदर ऐसी ईर्ष्या, कलयुगी जीवों जैसा व्यवहार करते हो, जाओ कलयुगी जीव बन जाओ। भक्तमाल कहती है वहीं फिर बाबा तुलसी बन के प्रगटे, पर हनुमान जी ने एक वरदान भी दिया साथ में कि भले तुमने ईर्ष्या की पर हो तुम भगवत भक्त, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूं जाकर के तुम्हारे, तुम एक ऐसी रचना करोगे जिससे सबके जीवन में राम नाम फिर से स्थापित हो जाए। तब बाबा तुलसी ने रामचरितमानस का वर्णन किया और रचना की जिसमें भगवान राम के नाम की महिमा बड़े सुंदर रूप में लिखी गई है। इसलिए भी याद रखें, प्रभु नाम जो है वो सब साधनों का सार है, जिसने इस नाम का आश्रय ग्रहण किया है उसका बेड़ा पार हुआ। कितना बड़े से बड़ा गृहस्थी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर नाम का स्मरण उसे हो जाए। पूज्य श्री भाई जी गृहस्थी थे, गीता प्रेस के जो संचयकर्ता हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उन ग्रस्त हो करके पूज्यपाल श्री राधा बाबा जी उनको अपना आदर्श मानते थे, जबकि वो गृहस्थी थे और राधा बाबा सन्यासी थे। क्यों? नाम के प्रभाव के कारण। इन महापुरुषों का चरित्र पढ़िए आप, इन महापुरुषों का चरित्र सबको पढ़ना चाहिए ताकि हमारे अंदर ये नाम की रुचि जागृत हो। ऐसे बड़े बड़े गृहस्थी भी अगर नाम का आश्रय कर लें तो बड़े बड़े वैरागी भी उनके चरण स्पर्श करते हैं, नाम में इतनी शक्ति है, इतनी महिमा।